स्थल पर आके मुझे दर्शन करने का अवसर मिला, ये मेरा सौभाग्य है अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ में भगवान वाल्मीकि के चरणों में, जहाँ उन्होंने लवकुश जी को शिक्षा दी थी। यहाँ पर मेरा यही विनती रही कि आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार बने और उसी तरह से भगवान राम के आदर्शों पर चलते हुए, भगवान वाल्मीकि के प्रेरणा से चलते हुए, उनके दिखाए रास्ते पर चलते हुए आम आदमी पार्टी आगे बढ़े, पंजाब की सरकार आगे बढ़े, यही मैंने यहाँ पे आके विनती। मनीष जी, सबसे पहले पंजाब का सीएम उम्मीदवार कब तक आप अनाउंसमेंट कर दें, क्योंकि चुनाव तो नजदीक आते जा रहे हैं। करेंगे जी, बिल्कुल बाकायदा हो जाएगा ये तो सवाल। अभी आज है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, डेट डिसाइड नहीं कर पाऊंगा लेकिन करेंगे। एक मनीष जी, जो सिंघू बॉर्डर पर घटनाएं हो रही हैं उसको आप कैसे देखते हैं, जिस तरह कल जो घटना हुई, दिल्ली सरकार कैसे देखती है? दिल्ली सरकार भी इस घटना को ऐसे ही देखती है जैसे कोई इंसान देख सकता है। बहुत बर्बरता, जिस तरह से नृशंस हत्या हुई है उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। केंद्र सरकार ने बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ा दिया 50 किलोमीटर कर दिया, पंजाब में काफ़ी सियासत हो रही है, किसान भी उसका विरोध कर रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं? मैं भी यही देख रहा हूं कि चन्नी साहब ने पीएम साहब केंद्र सरकार के साथ मिलकर कुछ सेटिंग की और पंजाब के किसानों की एक और मुसीबत उनके लिए खड़ी कर दी। सिर्फ किसानों के लिए नहीं, पंजाब के लोगों के लिए एक और मुसीबत खड़ी कर दी। ये चन्नी साहब की, इनकी सबकी सेटिंग क्या है आपस में पीएम साहब के साथ? कई हलकों में उतारे नहीं चुनाव आगे।